हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर प्लांट में यूज होने वाले डिवाइस। तो दोस्तों, जैसा कि ये इकोनोमाइजर है, यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं यहाँ से। तो इकोनोमाइजर क्या होता है? इकोनोमाइजर के नाम से ही क्लियर है, ये इकोनॉमी के लिए एक ऐसा डिवाइस है जो कि इकोनॉमी को इंक्रीज करेगा, यानी कि पावर प्लांट की जो इफिशियंसी है उसको ये डिवाइस जो है वो बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है और कैसे काम करता है ये सब जान लेते हैं। तो जनरली पहले जान लेते हैं कि पावर प्लांट में होता क्या है। पावर प्लांट में होता यूं है कि पानी को बॉयलर में गर्म किया जाता है, गर्म करके उसको स्टीम बनाया जाता है। स्टीम बनाने के बाद उस स्टीम को यूज किया जाता है टर्बाइंस में, प्रेशर के थ्रू उसको थ्रो किया जाता है, जिसकी वजह से टर्बाइन घूमता है। टर्बाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर, और फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। अब वो जो स्टीम है जो कि टर्बाइंस में लगता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है और उस स्टीम को वापस कंडेंस कर दिया जाता है कूलिंग टावर के थ्रू, और वो स्टीम जो है वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी ठंडे हुए पानी को फिर से रिटर्न यूज किया जाता है पावर प्लांट में, है ना। वापस उसे फिर बॉयलर में डाला जाता है, क्योंकि स्टीम जो है वो कंटिन्यू बनते रहता है प्लांट में, पावर प्लांट में, और इसी स्टीम से जो है वो पावर जनरेशन होती है। तो इकोनोमाइजर जो अब यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं डायग्राम में, रिटर्न ऑफ कंडेंसेट, है ना। तो ये ऊपर में एक टैंक बना हुआ है, यहां से पानी आ रहा है जो कंडेंस हो चुका है, जो पानी स्टीम के बाद वापस कन्वर्ट हो चुका है वाटर में, वो वाला वाटर जो है वो वापस ला रहे हैं और उसको हम यहाँ पर पास करा रहे हैं इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर जो है वो कनेक्टेड है एक पाइप से, वो पाइपलाइन जो है वो है फ्लू गैसेस की। यानी आप नीचे देख रहे हैं बॉयलर में हम पानी को हीट कर रहे हैं। किससे हीट कर रहे हैं? हम कुछ फ्यूल जला रहे हैं। उस फ्यूल को जलाने से जो गर्म गैस जो बन रही है, जो गर्म गैस है, उसे हम फ्लू गैस कहेंगे। वो गर्म गैस जो है वो यहाँ से पास हो रही है पाइप से, और उसी रास्ते पे हमारा इकोनोमाइजर है। इकोनोमाइजर में बहुत सारे पाइप्स लगे रहते हैं जिसके अंदर ये पानी जो है वो वाटर जो है वो सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद में आता है बॉयलर के अंदर, तो फ्लू गैस से हीट एक्सचेंज हो जाता है उस वाटर पे, यानी कि जो वाटर फीड वाटर है बॉयलर के लिए, जो बॉयलर में एंटर करता है, उस वाटर को हम यहाँ पर हीट कर ले रहे हैं। पहले से उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं। इसका बढ़ाने से हमको क्या फायदा होता है? बढ़ाने से फायदा ये होता है कि जो पानी हम डायरेक्ट, जो वाटर हम फीड कर रहे हैं बॉयलर पे, उसका टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा पहले से, तो हमको बहुत ही कम फ्यूल जलाने की जरूरत पड़ेगी बॉयलर पे, है ना, टेम्परेचर लाने के लिए, क्योंकि पहले से ही वाटर जो है वो थोड़ा टेम्परेचर गेन कर चुका है, वो भी किससे? फ्लू गैस से, जो कि हमारा बॉयलर का बाय प्रोडक्ट है, आप समझेंगे तो, है ना। फ्लू गैस जला रहे हैं हीट से, और उसके फ्लू गैस के हीट से ये वाटर फीड वाटर जो है वो गर्म हो जा रहा है, तो इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है और कम फ्यूल कंजम्पशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।